morning student i am your teacher meena today i will teach the remaining part of this chapter let me started with the new topic is globalization what do you mean by globalization student the globalization word represent the whole country okay in this way all one country to another country interact with each other through the trades okay let me started a large part of the foreign trade is also called by the mnc okay the whole globalization of trade done by the mnc multinational companies as a result of greater foreign trade has been has been integration of productions market across countries okay students these com, uh, countries interacted with the other countries or make a globalization okay globalization is the process of rapid integration or interconnection between the countries it is the main definition of the globalization globalization means to the process of rapid integration of interconnection between the countries mnc are playing a major role in the globalization प्रोसेस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसज इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन दिस कंट्री स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रेड होना सर्विसेज का डेवलपमेंट होना और अदर कंट्रीज के थ्रू अदर कंट्री का डेवलपमेंट और होल दिस प्रोसेस मेक ए वैब और दिस ऑल ट्रेड वेब कॉल बी ग्लोबलाइजेशन फैक्टर दैट हैव इन्हांस सॉरी फैक्टर दैट हैव इेबल टू ग्लोबलाइजेशन ओके रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कि हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है कैसे इंक्रीज हो रहा है कौन से कौन से एलिमेंट्स है जिसके द्वारा हमारे वर्ल्ड में ट्रेड अदर सर्विसेज की डेवलपमेंट हो रही है ओके रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बी अ मेजर फैक्टर ओके स्टिमुलेट द global process for instance the 50 years have been several improvement in the transportation first is technology after this transportation okay? even more remarkable have been development information and communication other is information i itc voltage is information technology okay

Or do our work properly. Okay. Liberalization of foreign trade and foreign investment policies. Okay. अभी कौन कौन सी पॉलिसीज है जिसके द्वारा हमारे जो इन ग्लोबलाइजेशन का इजीली फ्रीडम फ्रीडम फुली अपना वर्कआउट कर सकते हैं टैक्स ऑन इंपोर्ट्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम हैव समेस है ओके द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर फॉर द इंक्रीज अ डिक्रीज फॉरन ट्रेड टू डिसाइड टू काइंड ऑफ गुड्स हाउ मच ऑफ ईच शुड हैव इन ऑन कंट्री ओके स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स का डेवलपमेंट है तो uh, हम तो बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे इससे क्या होगा हमारे घर में नुकसान होगा जब हमारे घर में कुछ अवेलेबिलिटी है तो हम बाहर से एक्सचेंज नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं बना कर सकते उसको हम क्या करेंगे उस पर टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे फिर ऑटोमेटिकली वो हमारे यहाँ इंपोर्ट करने नहीं आएंगे ओके इनको बैरियर कहते हैं ओके इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज पुट बैरियर टू फॉरन इन्वेस्टमेंट्स दिस वॉज द कंसिडर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरन कॉम्पिटिशन ओके स्टूडेंट दिस इज द मेन रीजन कि कंट्री ट्रीज जो है अपने इनर जो ट्रेडर्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए और कंपटीशन को कम करने के लिए बैरियर्स लगाती है ओके बैरियर्स फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एस वर इंप्रूव अ लार्ज एक्सटेंट दिस मीन द गुड कुल बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजिली फॉर फॉरन कंपनीज कुड सेट अप द फैक्ट्रीज एंड प्रोसेस हेयर सम टाइम्स एट फ्रेंड्स समटाइम क्या होता है अपने देश को डेवलपमेंट करने के लिए अदर्स कंपनीज को हम अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने करते हैं अलाउड करते हैं क्योंकि इससे हमारे देश को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है रिमूविंग बैरियर बाय द गवर्नमेंट इज नॉट द लिबरलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बैरियर्स को प्रॉब्लम्स को रिस्ट्रिक्शन को हटाना इट कॉल बी लिबरालाइजेशन द गवर्नमेंट इम्पो सच लेस एंसटेंसल बीफॉर दे सेट टू बी मोर लिबरल World Trade Organization. It is so important WTO World Trade Organization. Okay. We have seen that liberalization foreign trade investment in the India was spotted by the some very powerful international organization.

इंडिया अभी हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का हमारे देश इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओके इन द लास्ट ट्वेंटी सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडिया हैज़ बिन लॉन्ग वे ग्लोबलाइजेशन ग्रेटर कंपिटिशन अमंग द प्रोड्यूसर बहुत लोकल एंड फॉरन हैव द एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स पर्टिकुलर एड वॉल ऑफ द सेक्शन ऑफ द अर्बन एरियाज ओके स्टूडेंट्स क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन सिर्फ कंट्री में नहीं कंट्री के अंदर जो लॉकर फॉरन है उसमें कॉम्पिटिशन्स की फीलिंग आ रही है बहुत प्रोटेक्शन हो, हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है एज ए रिजल्ट डीज पीपल टूडे इंजॉय मच हायर स्टैंड और लिविंग देखो स्टूडेंट हमारा कंट्री का डेवलपमेंट मीन्स टू एक बंदे का डेवलपमेंट तो एक एरिया का एरिया से कंट्री का तो इंटरकनेक्टेड होता है स्टूडेंट जैसे ही एक कम्युनिटी डेवलप होती है तो एक स्टेट डेवलप होता है स्टेट डेवलप होता है तो कंट्री कनेक्ट कर अदर स्टेट्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है तो ओवरऑल ये होता है डेवलपमेंट होता है जिससे लोगों का रहन सहन सब में भी चेंजेस आते हैं ओके एम एन सी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इंडिया ओवर द ट्वेंटी ईयर इवेंसी इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन बेनिफिशियल फॉर दैम सबर ऑफ़ टॉप इंडियंस कंपनीज हैव बिन एबल बेनिफिट फॉर इंक्रीज कॉम्पिटिशन एवर ग्लोबलाइज लार्ज इंडियन कंपनीज एमरजेस मल्टी नेशनल हैव क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस पर्टिकुलर दोन आर टी ओके स्टूडेंट ग्लोबलाइजेंसी से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंडिया पर जैसे और डेवलपमेंट हो रहा है अदर पीपल्स का गिन uh, स्टेट्स का जिससे हमारे देश में नए नए टेक्नीस आ रही है डेवलपमेंट्स आ रही है ओके अब देखेंगे स्ट्रगल्स क्या होते हैं for fair globalization people with education skill wealth have made some best use of new opportunities on the other hand there are the many people who have not shared their benefits fair globalization would create the opportunities for all ensure that benefits of globalization has shared better the government can play a major role in the making this possible the its policy must be protect interest not only the rich powerful but people in the country it can be support small producers to improve their इम्प्रूव uh, the performance all the time of become the globalization use okay student क्या है fair globalization का means है कि जो trade हो रहा है इसमें कोई भी barrier ना है कोई 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 बैरियर ना कोई प्रॉब्लम है मीन्स टू पीपल अपने एजुकेशन स्किल के तहत डिलप डेवलप कर सके जिसके पास जो क्वालिटीज है उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर सके ठीक है जैसे लिखा there are many पीपल हु हैव not शेयर their बेनिफिट्स ओके okay? फेयर ग्लोब है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इससे क्या होता है अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं जो एजुकेशनल स्किल पर्सन होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है और ये इसको फेयर ग्लोब ग्लोबलाइजेशन को कौन सेट कर सकता है ओनली द गवर्नमेंट ओके स्टूडेंट नाउ आवर चैप्टर ग्लोबलाइज इज कंप्लीट मैंने इतने स्पीडली इस इसलिए कराया बेटा है पी टी टू का है ये आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है इस uh, वीडियो के थ्रू इसको इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको अंडरस्टैंड करना है और आपको इसके टेक्स्चल क्वेश्चन करने हैं आप ठीक है इजी चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन ट्रेड का मतलब होता है स्टूडेंट मेनली इसका मेन इम्पैक्ट यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड कैसे मूव करता है इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं क्या बैरियर्स होते हैं और एक डब्ल्यू uh, टे का क्या रोल है और क्या स्ट्रगल्स किए हमारे इंडिया में और इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है नेगेटिव भी पर मेनली पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि इससे लोगों को अर्निंग स्किल्स डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इसमें भी डेवलपमेंट हुई है कौन कौन से मीडियम है जिसके द्वारा डब्ल्यू डा, डा, टेड ऑर्गेनाइज मतलब इंक्रीज हुआ है टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ट्रांसपोर्ट है मैनी मोर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन कम आउट ओके स्टूडेंट्स चैप्टर को फर्स्ट ऑफ तो फर ऑल रीड करना है इसको सुनना है ओके और उसके बाद टेक्चुअल क्वेश्चन करने हैं पी टी टू क्ले इंपॉर्टेंट है इसको आपको लर्न भी करना है ओके स्टूडेंट टेक केयर